ग्वालियर में महिला को गृह निर्माण सोसाइटी में सही दामों पर फ्लैट दिलाने का झांसा देकर गृह निर्माण समिति के 3 पदाधिकारियों ने महिला से 8,30,000 की ठगी को अंजाम दिया है। जिसमें पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने समिति के डायरेक्टर, प्रबंधक और उपाध्यक्ष पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। एडिशनल SP राजेश दंडौतिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, MP नगर में रहने वाली महिला उषा कुशवाहा ने शिकायत की है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। ये मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत फरियादिया के द्वारा रिपोर्ट की गई, जो कि थटीपुर के क्षेत्र की रहने वाली है। उसके द्वारा ये बताया गया 2008 में मेरे द्वारा एक अनुबंध किया गया था, जो कि हर्षित गृह निर्माण जो मर्यादित समिति थी और सहकारी समिति थी उसके द्वारा, और मैसर्स जो रेस्मोस डेवलपर्स इनके द्वारा मुझे फ्लैट देने का वादा किया गया था। और फिर उसके बाद लगभग इतना समय हो चुका है, लेकिन उनके द्वारा मेरे अनुबंध पर न तो कोई कार्रवाई की गई और मुझसे 8,30,000 रुपये ले लिए गए और उसके बाद पैसे भी वापस नहीं किए गए, ना ही मुझे फ्लैट दिया गया।